चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। महाकाव्य पृथ्वीराज रासो की ये चंद लाइनों का इतिहास अफगानिस्तान की उस क्रूरता की कहानी है जिसने भारत के आखिरी हिंदू सम्राट को छल से कैद किया और अफगानिस्तान ले जाकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। अफगानिस्तान जो फिलहाल अब तालिबान हो चुका है, नए तालिबान की तस्वीरें रोजाना सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। अफगानिस्तान का इतिहास हजारों साल पुराना है। अफगानिस्तान में कई शासक हुए जिन्होंने अफगानिस्तान से निकलकर इस्लाम धर्म के प्रचार के साथ ही लूटपाट को अंजाम दिया। इन्हीं में से एक शासक था मोहम्मद गौरी। 12वीं शताब्दी में अपने लूटपाट और इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मोहम्मद गौरी ने भारत की ओर कदम बढ़ाए। उस वक्त दिल्ली की सल्तनत पर राज था अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज चौहान जिन्हें भारत का आखिरी हिंदू शासक कहा जाता है। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान के गजनी और हेरात के बीच एक छोटे से पहाड़ी क्षेत्र का शासक हुआ करता था। गौरी भारत में लूटपाट के साथ साथ इस्लामी साम्राज्य का भी विस्तार करना चाहता था। साल 1186 ईस्वी तक गौरी ने लाहौर, सियालकोट और भटिंडा यानी कि अब तबर हिंद पर अपना परचम लहरा दिया। उस वक्त तबर हिंद पर पृथ्वीराज चौहान का अधिकार था। गौरी के तबर हिंद में कब्जा करने के बाद दिल्ली और अजमेर पर शासन कर रहे पृथ्वीराज ने बिना देरी किए तराइन के मैदान में राजपूती सेना लेकर गौरी के सामने आ गए। दोनों ही सेनाओं में जबरदस्त युद्ध हुआ, लेकिन राजपूत सैनिकों के आगे गौरी की सेना की एक ना चली और गौरी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। तराइन के युद्ध में मौत के मुंह में समाये गौरी को पृथ्वीराज ने जीवन दान देते हुए बख्श दिया। लेकिन कहावत है ना, युद्ध में कभी नहीं हारे हम, डरते हैं छल छदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जयचंदों से। पृथ्वीराज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता को भगाकर शादी कर ली थी। राजकुमारी के पिता का नाम था महाराज जयचंद, जिन्हें संयोगिनी की शादी पृथ्वीराज चौहान से नागवार गुजरी। नतीजा उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के जाने दुश्मन मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया। दोनों ने मिलकर एक बार फिर अगले ही साल 1192 में तराइन में पृथ्वीराज को ललकारा। इस बार गौरी करीब 1,25,000 सैनिकों के साथ मैदान में उतरा। कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की सेना रात के समय शत्रु सेना पर आक्रमण नहीं करती थी, वो युद्ध के नियमों के मुताबिक ही चलती थी। लेकिन मोहम्मद गौरी की सेना रात में भी शत्रु सेना पर आक्रमण करती थी। इस दौरान इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और गौरी ने पृथ्वीराज को बंधक बना लिया। पृथ्वीराज के मित्र चंदबरदाई की किताब पृथ्वीराज रासो और कुछ इतिहासकारों का कहना है कि हार के बाद गौरी पृथ्वीराज को बंधक बनाकर गजनी ले आया, जहां गौरी ने पृथ्वीराज की आंखों में गर्म सलाखें डालकर जलवा दी। अंधे पृथ्वीराज के मित्र चंदबरदाई ने गौरी के सामने पृथ्वीराज के शब्द भेदी बाण चलाने का गुणगान किया। गौरी ने पृथ्वीराज की शब्द भेदी बाण चलाने की कला को देखने के लिए खुले मैदान में पृथ्वीराज से बाण चलाने को कहा। पृथ्वीराज के मित्र चंदबरदाई ने कविता के जरिए गौरी और पृथ्वीराज के बीच की दूरी का बखान करते हुए कहा, चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। कहते हैं पृथ्वीराज ने एक ही तीर से मोहम्मद गौरी को मार दिया। गौरी के मरने के बाद कवि और मित्र चंदबरदाई और पृथ्वीराज ने भी एक दूसरे को मार दिया ताकि वो किसी भी हाल में दुश्मनों के हाथ न लग जाएं। आज तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है और यही वजह है कि पूरी दुनिया इस वक्त खौफजदा है और खास तौर पर भारत, जहां ये डर है कि कहीं एक बार फिर से पाकिस्तान तालिबान की शह पर रह के और मजबूत ना हो जाए।